कैसेट के माध्यम से हम आप लोगों के एक बार फिर एक ठे गीत प्रस्तुत करत बानी। हम गायक राम नरेश यादव ग्राम खजूरी भट्ट कुआं की धरती से, शायद आप लोग को पसंद आवे। आज देश की हालात क्या है, आज देश किस मोड़ से गुजर रहा है, देश के तमाम महिलाएं असुरक्षित हैं, विधायक से लेकर के और आम जनता तक, साधु संत से लेकर के तमाम लोग आज बलात्कार के घेरे में हैं। मैं उसी पर एक लाइन कहना चाहता हूं, चार लाइन पढ़ना चाहता हूं। क्या आज देश की हालात क्या हो गई है? देशवा फसल बाबलत करियन के हाथ में, देशवा फसल बाबलत करियन के हाथ में, आव चंद्रशेखर लेके भगत सिंह के साथ में, मानव क्या हो गया है, मानव का रूपरेखा देखिए क्या हो गया है। मानव भइल दानो अब तो गिरत समाज बा, चारो ओर खाली घुसा खोरावन के राज बा, जवन बाटे तवन, जवन बाटे तवन तोहरा ही हाथ में, आव चंद्रशेखर लेके भगत सिंह के साथ में, पढ़ना चाहूंगा। क्या पढ़ना चाहूंगा बाबू? झांसी वाली रानी आके फिर से जगावल जा, आसफा का उल्ला खाके देश में बुलावल जा, मैं पूछना चाहता हूं, क्या मुसलमान इस देश के नहीं हैं? क्या मुसलमानों ने इस देश में आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी? साथियों, सबसे पहले इस देश की आजादी की लड़ाई में इतिहास बताता है, पढ़कर देखिएगा, मुसलमान का ही नाम आएगा जो पूरे देश को इकट्ठा कर करके, हर जातियों को इकट्ठा कर करके और लड़ने का काम करना चाह रहे थे, इतिहास में उनका नाम आएगा। मैं बताना चाहता हूं, क्या बाबू कहना चाहता हूं, झांसी वाली रानी आके फिर से जगावल जा, असफा का उल्ला खाके देश में बुलावल जा, सपना लेके साथ में
कहना चाहता हूँ इन सभी समाज के लोगों से, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो या जो भी कोई हो, सबसे मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता हूँ, आखिरी लाइन में पढ़ना चाहता हूँ अपने गीत को। सगरी समाज से ही यह पाया एलानावा, एक हो के भैया बनावा संगठनावा, आखिरी लाइन में सगरी समाज खून से झंडा बना है, हई ललका झंडा रही तो हरा ही सा।